अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग खुश होंगे। आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और मेरी रेसिपियाँ इसी तरह देखते रहें और मुस्कुराते रहें। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं हल्की फुल्की डिश बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मेरा भी मूड नहीं था रेसिपी बनाने का। तो मैंने क्या, क्यों ना हल्की फुल्की, बाज़े टाइम हमारा दिल चाहता है कि कुछ हल्का फुल्का सा बना लें जो जल्दी से बन जाए। तो मैं हल्की फुल्की से, ये है ना, आलू अंडे आज मैं बना रही हूँ, आलू अंडे। तो आप लोग देखें मैं कैसे बनाती हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो ये देखें, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप लोग नोट कर लें, सही है। ये आलू हैं, रेड वाले आलू लिए मैंने, क्योंकि वो रेड मीठे नहीं होते। ये आलू लिए दरमियाने साइज़ के 3 अदद, सही है। हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, और ये आधा पाव दही है, और प्याज मैंने आज क्या कहते हैं लाल हुई भी लिए। मैंने कहा है ना, आज मेरा मूड नहीं था, तो मैंने क्या, अब खड़े होकर लाल करना पड़ेगा, तो ये मैंने ये ले ली, क्या कहते हैं, समझ लो 3 दरमियाने साइज़ की 3 डली प्याज की है, सही है। ये लाल हुई भी है, इसको हम इसमें वो करके ग्राइंड कर लेंगे अंडों में डालने के लिए। ये 5 अदद हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया हसबे ज़रूरत थोड़ा बहुत उसमें डलेगा, और ये 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 कप हल्दी है, और 1/2 टीस्पून और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, और 1 टीस्पून धनिया है, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 6-7 ये हैं काली मिर्चें, और ये 4 से 5 लौंगे हैं, और ये हरी मिर्चें हैं। अंडे मैंने यहाँ उबालने रख दिए, ये देखें उबल रहे हैं, ये अंडे उबालने रख दिए। अंडे आप अपने ज़रूरत के उसके हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 6 अंडे लिए, सही है। अब हम शुरू करते हैं, सही है। अंडे छीलते हैं हम लोग, और फिर मसाला भूनते में मैं आपको करती हूँ, सही है। अंडे छील लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। ये देखें मैंने ये अंडे छील लिए, सही है। ये 6 अंडे बताए थे आपको, 1 अंडा मरियम खा गई उबलते के साथ ही, खाने में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। और ये दही है, दही मैंने पीस लिए, क्या कहते हैं, दही के साथ वो प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी। अभी हम इसको ये चूल्हे पर रख दी, और ये हमने ये तेल डाल, सही है। ये अब ज़रा सा गर्म होगा ना तेल, तो हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ना आवाज़ बंद कर लो। ये देखो मैंने अंडे दे डाल दिए, अब इनको जो है ना फ्राई करेंगे, इनको मैं ज़रा सा फ्राई करूँगी हम लोगों, ठीक है। फ्राई कर दूँगी तो फिर अच्छे कलर बहुत अच्छा आता है सालन में। ज़रा से इनका कलर आएगा इनको निकाल के, फिर मैं ये इसके बाद ये मसाला डाल दूँगी, ठीक है। और ये थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, अच्छा। ये जो अंडे आलू होते हैं ना, ये बाजे लोग ऐसे ही उबाल के बनाते हैं, सिर्फ उबाल लिया ये अंडे उबाले, और ये फ्राई नहीं करते, ऐसे भी बनते हैं। और प्याज जो है ना पीस के बनाते हैं, कच्ची प्याज, मगर वो है ना इसमें कच्चापन आता है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते, तो मैं प्याज लाल करके बनाती हूँ। अभी तो मैं बता रही हूँ ना, मेरी क्या कहते हैं मूड नहीं हो रहा था आज खाना बनाने का, तो आज मैंने जो है ना, मैं सुबह से सोच रही थी क्या बनाऊँ, समझ में ही नहीं आता। बाजे थे पकाने के बड़े मसले होते हैं, तो ये समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो मैंने कहा कि क्या कहते हैं क्या बनाऊँ, तो प्याज इसमें भी प्याज लाल करना, तो फिर मैंने रखी हुई प्याज होती है ना लाल हुई, इससे आपको बना के दिखा रही हूँ। प्याज लाल करने में वो काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता है, सही है ना। तो ये मैं इससे बना रही हूँ, नहीं तो मैं कच्ची प्याज से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती,
बनते हैं वो भी, मुझे नहीं पसंद, मगर उसमें ना कच्चा कच्चा पन आता है प्याज का। आप ऐसे बना के देखिएगा, देखिएगा आपके कितने मज़े के बनेंगे ये। आप इस मेरे तरीके से इस तरह बनाएंगे ना तो आप देखिएगा किस कितने मज़े के बनते हैं ये ना, तो वो मुझे बताइएगा कि कैसे बने। बहुत तेज़ हो रहा है ना, बहुत तेज़ हो रहा था मैंने उसमें, बहुत तेज़ फेल हो रहा था, थोड़ा सा पानी डालती हूँ अंदर, ठीक है। तेल बहुत ऑयल जो है ना तेज़ हो रहा था अंडे तले थे ना, तो उसी में मैंने डाल दिया, हो गया। अब ये डालेंगे हम पीसी हुई मिर्चे, हल्दी, धनिया, नमक, लौंग और ये काली मिर्च, सही। गरम मसाला जो है ना वो हम दम पे डालेंगे, गरम मसाला भी मैंने नहीं डाला, ये मैं दम पे डालूँगी। ये मसाले की खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे, सही, खूब अच्छे से भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें ये डालेंगे आलू। ये दही प्याज जो है ना ये ज़रा बाद में डालेंगे, ज़रा आलू थोड़े हो जाएंगे ना, ये ज़रा इसकी मसाले की अच्छे से भुनाई कर लें, अच्छे से भुनाई करके, भुनाई कर ली मैंने, ये आलू डाल देंगे। ये आलू 3 अदद लिए थे मैंने दरमियाने साइज के, ठीक है। बहुत मज़े के बनते हैं ये ना, और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं, बच्चे वाले घर में बने ना बच्चे बहुत शौक से खाते हैं आलू भी और अंडे भी, आपको पता है बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं ना। चलें ये इसकी मैं भुनाई कर लूँ, थोड़ा सा पानी डाल देंगे गलने का, ये भुनाई अच्छी तरह से करके, ये देखें इसमें ज़रा सा गलने का पानी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़रा ये हो जाए फिर प्याज डाल देंगे, बस इसको अभी हम ढकना ढक के रख देते हैं। ये इसकी भुनाई कर लो, अच्छे से भुनाई होगी इसकी आलू की, ये देखिए ये मैं अच्छे से भुनाई करती हूँ। आलू में ज़रा सी कसर है अभी, वो अभी दही वगैरह डालेंगे ना, दही और प्याज इसके साथ ही, तो ये मैं डाल देती हूँ दही और प्याज। मरियम ने ना बहुत गाढ़ी पीसी, मरियम से पिसवाई थी मैंने, ग्राइंड करवाई थी, ये जो पीसते ना ग्राइंड करते हैं हम लोग थोड़ा सा वो करके पानी डाल के, ये इसने ऐसे ही पीसी है। अब इसको बहुत ज़्यादा सख्त हो गई, पानी डाल तो इसकी, अभी इसकी बुनाई होगी प्याज की और इसकी। अच्छा अब ये मैं आपको आज की टिप्स देती हूँ, सर्दियों में मच्छर बहुत आते हैं, बहुत अब आने शुरू हो गए, बहुत परेशान कर रहे हैं मच्छर, तो मच्छरों के लिए है आप जो है ना काला दाना लें कोयले की, और कोयला देखाएं और पाए उसमें किसी भी फालतू कोई तकारी या कुछ उल्टा फालतू सा बर्तन हो उसके अंदर, और काला दाना डाल के कोयले दहक जाएं उसके अंदर, काला दाना डाल दें अकेले क्या मिल जाता है, तो क्या कहते हैं उसकी आप धुली लें, देखें कितना अच्छा मसाला बना। अभी इसमें रोगन भी आ जाएगा, अभी तो भुनाई होगी, शुरुआत डालूंगी, ये देखें कितना प्यारा मसाला बना है, सही है ना। अभी इसकी ज़रा भुनाई कर लें हम लोग, अच्छी तरह से भुनाई कर दूँ फिर मैं इसमें शुरुआत डालूंगी, सही है। अच्छा हाँ, तो क्या काले दाने की वो कोयले दहकाएं, कोयले दहका के, और फिर जब कोयले खूब अच्छी तरह दहक जाए तो काला दाना उसके ऊपर डाल के पूरे घर में उसकी धुनी दे दें, तो जो है ना मच्छर नहीं आएंगे, ठीक है। ये आज की मेरी टिप्स है, और आप मेरे चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। ये देखिए बनाई हो गई अच्छी तरह। अब मैं इसमें गलने का पानी डाल देती हूँ, वो शुरुआत। ये मैंने 1.5 कप डाल दिया। ये देखें, ये तैयार हो गया सालन। और ये चूल्हा जो है ना बंद करने से 5 मिनट पहले मैंने इसमें अंडे भी डाल दिए थे। ये देखें अंडे डाले हुए ना, अंडे उबाले थे, वो अंडे भी डाल दिए थे और गरम मसाला पिसा हुआ डाल के हरा धनिया डाल दिया था। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ, फिर आपको मरियम खा के दिखाएंगी। सही है आप। अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद फैमिली में वेलकम। मैं आपको खा के दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा बनाई है। मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरी फरमाइश पे मम्मा ने आज ये बनाया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें बताइएगा कैसा बने। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।